सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। नमस्कार, मैं अजय कुमार। आज मैं बात करने वाला हूँ गाइज फ्री हैंड स्केचिंग के बारे में, क्या होता है, किस तरह से करना चाहिए और इसका बेनिफिट क्या क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज बिल्कुल डिटेल में। सो सबसे पहले गाइज समझते हैं कि वॉट इज फ्री हैंड स्केचिंग। सो टूडे आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन सम बुकिश डेफिनेशन। धीरे से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं कि ये होता क्या है, सिंपल तरीके से समझते हैं। सो गाइज, फ्री हैंड स्केचिंग एक तरह का ड्रॉइंग स्टाइल है। इसको करने के लिए हमको कोई भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक राउंडर, प्रोटेक्ट, रूलर एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम फ्रीली कंफर्ट होके कोई भी ड्राइंग अगर करते हैं, इन सब प्रोपोर्शंस और मेजरमेंट को, मतलब इन सब मेजरमेंट के बगैर भी कोई ड्राइंग अगर आप कर रहे हैं, कोई स्केचिंग कर रहे हैं, दैट मींस हम उसको फ्री हैंड स्केचिंग बोल सकते हैं। सो गाइज, ये फ्री हैंड स्केचिंग करने से हमारा क्या बेनिफिट होता है और हम कौन से सरफेस में कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते, ये सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा आप लोग को। सो गाइज प्लीज़ वीडियो एंड तक वॉच कीजिए, क्योंकि अगर आप एक ड्राइंग स्केचिंग करते हैं, एक आर्टिस्ट हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। सो गाइज कीप वॉचिंग टिल द एंड। तो गाइज इन सब चीज़ों के बारे में और बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरा फ्री हैंड स्केचिंग आप सब देखें, क्योंकि गाइज जो फील्ड में जो चीज़ के बारे में मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, क्या मैं उस चीज़ में अच्छा हूँ या फिर वो फ्री हैंड स्केचिंग में कर पाता हूँ या नहीं, ये आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है, आपका अधिकार है गाइज। इवन मैं भी अगर किसी आर्टिस्ट को फॉलो करता हूँ, उनका काम को देखकर मैं सीखना अगर चाहता हूँ, तो मैं उनका बैकग्राउंड या फिर वो किस तरह का काम करते हैं, जिसके बारे में वो बोल रहे हैं, उसके बारे में उनका नॉलेज है या नहीं, ये सब चीज़ों को मैं भी पहले जांचना पसंद करूंगा। सो गाइज मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप भी मेरा जो है स्केचेस देखें, सो दैट आप लोग को वो ट्रस्ट होगा कि हाँ हम इनसे सीख सकते हैं। सो गाइज इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। सो मैं चाहता हूं इस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए आप लोग मेरा ये स्केचिंग देखें, सो दैट आप अपने आप में वो मोटिवेशन या फिर अपने आप में वो जोश ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि मेरा स्केचेस फ्री हैंड स्केचेस किस तरह का है। तो गाइस ये रहे मेरे कुछ स्केचेस, जिसको आप देख के समझ पा रहे होंगे मैंने कोई दिमाग में कुछ जैसे किसी को दिखाना है या फिर अच्छा होगा या फिर नहीं होगा, ये सब दिमाग में ना रख के बिल्कुल जो है रैंडमली ये स्केचेस सारे किया हूँ दोस्तों। आप अच्छे से इसको देख के समझ पा रहे होंगे। तो ये रहे कुछ स्कल के जो थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था मैं, एनाटॉमी बुक्स वगैरह जो भी, जहाँ से जो भी मिल रहा है आपको, मोबाइल से, इंटरनेट से, आप जहाँ से भी इस तरह का इमेजेस देख के रेफरेंस के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, आपको कोई जज करने वाला नहीं है इन सब में, तो बस स्केच करिए। और ये रहा प्रोपोर्शंस, हेड का प्रोपोर्शंस, लेफ्ट राइट किस तरह से एंगल में अगर फेस है तो उस हिसाब से, और ये कुछ एनाटॉमी, बोन स्ट्रक्चर वगैरह, इन सब को भी बनाया कीजिए थोड़ा थोड़ा। और ये सबसे मज़ेदार लगा मेरे को, इसमें क्या किया हूँ, गांधी जी का थोड़ा स्केचेस बनाया हूँ। तो इस तरह से देखिए आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं इस टाइप का स्केचेस, बहुत अच्छे स्ट्रोक को ध्यान में रखते हुए मैं ये सब बनाता हूँ। और ये रहे कुछ और भी चीज़ें जो कि छोटे बच्चे, औरतों को इस टाइप का इमेजिन करके, तो कभी रेफरेंस देख के इस टाइप का आप बनाया कीजिए। इन सब में जो होता है आपका फ्लो, हाथ का स्ट्रोक, ये सब स्ट्रॉन्ग होता है। तो बस इस तरह से कुछ कुछ ड्राइंग्स है, तो कभी एनिमल्स, कभी ह्यूमंस, इस टाइप का कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर आपका ड्राइंग स्किल डेवलप करना है आप लोग को, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेंटिंग्स भले आप बहुत ही कम करें या फिर कलर एप्लीकेशन वगैरह के बारे में कम ही जानें, लेकिन शुरुआत में ड्राइंग और स्केचिंग को इतना परफेक्ट कर लीजिए कि कोई भी ड्राइंग, कोई भी जितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, आप तुरंत इजीली कर पाएं। तो गाइस फ्री हैंड स्केचिंग से आप परफेक्ट लाइन ड्राइंग कर पाते हैं, यही है फ्री हैंड स्केचिंग ड्राइंग का बेनिफिट गाइस, ठीक है।
अच्छे से आप किसी भी ड्राइंग को कर पाएंगे, विदाउट एनी ग्रिड लाइंस आप कर पाते हैं। तो गाइस आप कोई भी स्केच पेपर लेके इस तरह का ड्राइंग्स कर सकते हैं, फ्री हैंड स्केचिंग कर सकते हैं। तो गाइस बस इसी तरह से आप अपना स्केच मेंटेन कर सकते हैं, रेगुलर स्केच करिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आई होप गाइस ये स्केचेस आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। सो गाइस कैसा लगा मेरा फ्री हैंड स्केचेस, आई होप आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। इस तरह का स्केचिंग आप भी कर सकते हैं, आप में भी ये खूबसूरत सा हुनर भरा हुआ है गाइस, बस देरी है तो उस चीज़ को निकालने की, ये हुनर को बस निकालने की देरी है गाइस। फिर देखिए आप भी इससे भी बेहतर, 10 गुना बेहतर स्केचिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं ड्राइंग स्केचिंग पेंटिंग के से रिलेटेड, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, सो दैट आप बहुत जल्द आर्ट फील्ड में कुछ नई चीज़ें सीख सकें। सो गाइज अभी क्या फ्री हैंड स्केच कर लेने के बाद, इसे डेवलप कर लेने के बाद और हम क्या करें, किस तरह का ड्राइंग डेवलप किया जाए उसके बाद, मतलब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये सारे सवाल का जवाब मैं दूंगा। जी हाँ दोस्तों, फ्री हैंड स्केचिंग के बाद आप अगर प्रैक्टिस इसी तरह का करते हैं तो बिल्कुल फाइन ड्राइंग्स और आउटलाइन ड्राइंग्स परफेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपना फ्री हैंड स्केचिंग को इसी तरह रोज़ प्रैक्टिस करिए, सो दैट आप कोई भी ड्राइंग जितना भी कितना भी मुश्किल क्यों ना हो फ्रीली आउटलाइन कर सकते हैं। तो कुल मिला के गाइस फ्री हैंड स्केचिंग का मज़ा या फिर उसका रिजल्ट हमको तभी मिलता है जब आप डिफ़िकल्ट से भी डिफ़िकल्ट ड्राइंग को इजीली आप कर पाएँ, विदाउट ग्रिड लाइन, कोई ड्रेसिंग वगैरह वगैरह इस्तेमाल ना करके भी अगर आप परफेक्ट ड्राइंग कर पाते हैं, दैट मींस आपको ड्राइंग में कोई भी हरा नहीं सकता, आप ड्राइंग में प्रो हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं फिर से अपना फ्री हैंड ड्राइंग आउटलाइन दिखाना चाहूँगा, तो देखते हैं कि मेरा फ्री हैंड ड्राइंग किस तरह का है, मैं किस तरह से आउटलाइन करता हूँ स्केचिंग के बाद, किस तरह का मैं ये डेवलप किया ड्राइंग, इसको जानने के लिए आप ये एक छोटा क्लिप देख सकते हैं। सो गाइज है ना कमाल का स्केचेस। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का स्केचिंग, इस तरह का ड्राइंग फाइन लाइन के साथ आप भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको गाइज फ्री हैंड स्केचिंग को डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सभी आप लोग को बोलते होंगे कि ड्राइंग करो, स्केचिंग करो, स्केचिंग करो, लेकिन आप ये सुन सुन के बहुत फेडअप हो जाते होंगे, आई नो दैट। लेकिन गाइज कड़वा सच तो यही है कि आपको फ्री हैंड स्केचिंग ड्राइंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गाइस आप बिगिनिंग स्टेज में हैं तो कोई चीज़ में आप फोकस ना करके अगर आप ड्राइंग और स्केचिंग में फोकस करते हैं तो बहुत ही जल्दी डेवलप कर पाएंगे। सो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए। सो गाइस उम्मीद है कि आप भी इस तरह का ड्राइंग अपना डेवलप करेंगे। तो अगर गाइस आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ें पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बोल सकते हैं, अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। सो गाइस उम्मीद करता हूँ ये पूरा स्केचिंग का ड्राइंग का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।